पापा जी, पापा जी। क्या हुआ बेटा? पापा जी डोर नहीं खुल रहा है। मैं देखता हूँ बेटा इसे। अरे बेटा इस दरवाजे का तो लॉक खराब हो गया। पापा जी अब क्या होगा? अरे बेटा पहले मैं दरवाजे खोलता हूँ फिर इसका लॉक ठीक करते हैं, ठीक है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी माइंड आइडिया। तो गाइस देखा आपने इस वीडियो में, यह प्रॉब्लम किसी के भी घर पे हो सकती है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको मिस्त्री को भी बुलाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो का मेन मकसद हमारा यही है कि आपको मिस्त्री को भी ना बुलाना पड़े और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो गाइस इस लॉक को हम एक चक्कू और एक चम्मच से खोलेंगे। गाइस एक्सप्लेन होने के कारण ये वीडियो लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन गाइस इसमें हमने कई चीज़ों का ध्यान रखा गया। इसमें हमने आपको तीन तरह की चीज़ें बताई हैं, एक डोर जो लॉक हो गया उसको कैसे खोलेंगे बिना औजारों के, और दूसरा उस लॉक को कैसे ठीक करेंगे, और तीसरा न्यू डोर लॉक इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो गाइस यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल पंजाबी माइंड आइडिया सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी चौखट में ये पत्ती लगी होती है इसको हम सीधा करेंगे। आप इसके लिए कोई भी टूल्स ले सकते हैं, वो वजनदार रॉड वगैरह कुछ भी घर पे होती है। ये मसाला कूटने की है, इससे हमने ये रॉड सीधी करी, ये रॉड सीधी हो गई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चक्कू से थोड़ा सा इसकी लकड़ी को खुरच लेंगे। खुरचने के बाद आधा लॉक ये दिख रहा है और आधा जो उसके अंदर गया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने चम्मच लेना है, चम्मच और ये चक्कू, और उसके बाद हम चक्कू को थोड़ा सा मोड़ेंगे। ये चक्कू ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाएगा, और चम्मच को भी मोड़ लेना है। चम्मच की शेप मैं बताता हूँ कैसी होनी चाहिए। चम्मच की शेप हमने ऐसी बनानी है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले चक्कू जो इस साइड से इसके बीच में डालना है, ऐसे करके डालने के बाद ये अंदर चला गया, उसके अंदर चला, हमने इसको प्रेस करना है जोर से। प्रेस करने के बाद जैसे ये लॉक इधर को आता है, प्रेस करना लॉक आ गया, ये पत्ती तक आ गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, पत्ती तक लॉक आने के बाद हमने इसमें चम्मच घुसेड़ना है। ये वाली जो साइड देखिए अब मैं कैसे डाल रहा हूँ इसमें, ये जो साइड है ये दरवाजे की साइड होनी चाहिए, और ये दरवाजे की साइड डाल के ये खुल गया दोस्तों। तो गाइस इसका ये लॉक टूट गया था, उसके बाद जो अपना ये स्प्रिंग भी टूट गया है। चलो इसको ठीक करते हैं गाइस।
तो गाइज हमने इस लॉक का इंस्पेक्शन किया, हमने देखा कि इसके अंदर जो है एक लॉक लगता है इस जगह पे, इसकी रॉड के अंदर, इस जगह पे। तो हमने देखा कि ये जो अपना ये लॉक है ये टूट गया है। ये लॉक कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, तो ये टूट गया है। पहले हमें ये लॉक बनाना पड़ेगा और इसके स्प्रिंग भी जो हैं वो भी टूट गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक मेटल की वाशर लेनी है, इसी से हम इसका लॉक बनाएंगे। और हमारे पास कुछ फॉल सीलिंग की ये लाइटिंग थी, इसकी जो है हमने स्प्रिंग निकाल के इसको हम यूज़ करेंगे। तो गाइज हमने लॉक तैयार कर लिया है, अब हम स्प्रिंग की कटिंग करते हैं। पहले हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे, दोनों टूटे और एक एक्स्ट्रा जो हमने काट रखा। तीनों स्प्रिंग डालने के बाद इसकी ये साइड जो है, एक ये है और एक ये है, इसमें कट बने हुए हैं लेके और इसमें नहीं बने हुए हैं। तो ये जो इसकी प्लेन साइड है, ये प्लेन साइड, ये कट वाली साइड पे आएगी ये। ये वॉशरें जो हैं पहले की उसमें से निकली हुई हैं, ये इसमें डलाएंगी रोड के अंदर। दूसरी वॉशर भी डलेगी, ये पेज हम इस जगह लगा देंगे। इससे हमारा जो लॉक है वो आगे नहीं जा पाएगा और वॉशर आसानी से लग जाएगी इसमें। वॉशरों को दोनों को लॉक से आगे प्रेस करने के बाद हमने जो लॉक बनाया है ये वाला, इसको हम इसमें लगाएंगे।
तो गाइस ये लॉक हमने फंसा लिया है, इसके बाद हम जो है इसका ये स्क्रू निकाल देंगे, इसको हाथ से लॉक को आगे से प्रेस करके। ये प्रेस करा और ये देखिए ये हमारा लॉक हो गया है ठीक। लेकिन हम इसकी जो भी टेस्टिंग करते हैं, देखिए पहले इसमें रॉड लगाएंगे हम, उसके बाद हम इसमें हैंडल लगा के टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं। तो गाइज अब हम इस डोर के लॉक को फिट करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि न्यू डोर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इस जगह जो हमने बनाई हुई है इसके अंदर, जैसे ये है अपना, हमने यहाँ डोर अगर लॉक लगाना है तो हमने इसके लिए त्रिशूल बिट लेंगे, त्रिशूल बिट और साथ में ड्रिल लग के या लगभग 16 mm की लेंगे। और उसके बाद इसमें जगह जगह होल करेंगे, इस लेंथ के अंदर, लंबाई के अंदर होल, होल की गहराई आपने नाप लेनी है इसमें, जो लगभग इतनी गहराई होनी चाहिए लॉक को, इसको आपने नाप लेना है। और ये गहराई होने के बाद हम उसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह किसी चौरसी वगैरह से, और उसके बाद हम जैसे ये लॉक लगाएंगे इसमें डालेंगे लॉक, ये आ रहा है इसमें फिट। ये लॉक लगने के बाद यहाँ तो प्लेन सरफेस होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे इसकी दूरी नापेंगे टोटल और इस जगह की दूरी नापेंगे। उसके बाद हम इस जगह पे होल कर लेंगे, होल देखिए ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इस जिप्सम स्क्रू को कसेंगे इसके अंदर ऊपर नीचे वाले सुराखों में, इसको कसने के बाद सबसे पहले हमें ये वाली यूनिट लगानी है। ये वाली यूनिट लगाने से पहले इसका जो ब्लैक वाला, ये बराबर में होना चाहिए इसके स्टील के बराबर में, और इसके अंदर लगाएंगे डालेंगे। ये डालने के बाद एक लंबा वाला स्क्रू होगा जो उसको इस सेंटर वाले सुराख में डालेंगे और इसको इसमें टाइट करेंगे इस होल में। इस होल में स्क्रू टाइट होने के बाद ये यूनिट हिलेगी नहीं, निकलेगा नहीं ये। उसके बाद इसका ये कवर कस देंगे। ये कवर अभी पहले थोड़ा सा ढीला रखेंगे, सिर्फ रोकेंगे इसको। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक रॉड है जिस लॉक के साथ ही मिलती है, इस रॉड को हम फ्रंट वाली साइड से आगे डालेंगे। अब इसमें जो रॉड लग गई है, अब इसके फ्रंट का जो हम फ्रंट साइड का कवर वो लगाएंगे। ये जो रॉड है ये अपना इस लॉक में चली जाएगी। फिर इसके होल्स में स्क्रू, जिप्सम स्क्रू कस देंगे। दोनों स्क्रू कसने के बाद उसके बाद पीछे के स्क्रू कसेंगे। स्क्रू टाइट होने के बाद आप देखेंगे, देखिए हमारा लॉक ठीक हो गया है। दोस्तों इस लॉक की असेंबली लगने के बाद इस लॉक के साथ हमारे को ये पट्टी मिलती है। ये पत्ती जो चौखट पे लगेगी, इस पत्ती में इसको ऐसे रख के देखेंगे, इसमें रखने के बाद हम इसकी दरवाजे से ऊपर से नीचे तक इस पत्ती की पैमाइश करेंगे, लगभग 3 फुट पे है। इस पत्ती को हमें चौखट में फिट करना है। इस चौखट पे इस पत्ती को रखेंगे और इसकी जो नपाई है इसके ऊपर से हमें जो है 3 फिट लेनी है।
तो गाइस ये पत्ती फिट होने के बाद जो इसमें खाली वाली जगह इसमें हम होल कर लेंगे लगभग 1 इंच गहरे। होल होने के बाद ये लॉक इसमें लग गया है,